मैंने कल कहा था और आज मेरी पैशन कोई सुन ले। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है, हमें पता है। और मैं आप अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं मौजूद मेंबरान सेनेट को कहना चाह रहा हूं, आई एम वार्निंग यू ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द सेनेट, लिसन एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग मेंबर्स ऑफ द सेनेट, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर, इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर, डोंट रिलाई ऑन हिम। क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? आपको अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा जैसी मंझी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? एक कॉम्प्रोमाइज, एक बिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल नॉलेज जी, इस तरह ये एक्सपेंस कर दें जी, इस तरह नहीं। थैंक यू। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर? क्या ये इलेक्शन कमीशन में, क्या इलेक्शन कमीशन में इनकी पटिशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। वीडियो जवाब दे रहे हैं, प्लीज तशरीफ रखें। जनाबे वाला वीडियोस, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। जनाबे वाला कौन नहीं जानता कि क्या यही पार्टी, ये तारीख की बात है, गवाह है तारीख की। क्या नून लीग के साथ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? रातों रात वजाहत करें, अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिजब इख्तलाफ बन जाते हैं। किस तरह, मैं पूछना चाहता हूं, किस तरह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं। जनाबे वाला ये भी वजाहत करना चाहूंगा कि ये इदारा जो अब इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट कर वजीर आजम को, काबीना को होगा। ये कह दिए ना कि ये इदारा मादर पितर आजाद हो जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं। और तीसरा ये कह देना कि इस इदारे को किसी की गुलामी में दे दिया गया है, हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये इदारा कल भी इस ऐवान के ताबे था और आज भी है और कल भी रहेगा। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है और पार्लियामेंट इंशाल्लाह सॉवरेन रहेगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स यहां आती रहेंगी, उनको ये पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती रहेगी और उनकी जो मुस्बत तजावीज हैं उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनाबे वाला मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि कल कायदे हिजब इख्तलाफ ने, मैं समझता हूं, एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे अफसोस हुआ। बहसीयत एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के, मैं समझता हूं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपकी जात पर नुक्ताचीनी की जिसकी इजाजत मैं समझता हूं कानून नहीं देते। आपको कहा गया कि आपने कार्रवाई को, बिल को फैसिलिटेट किया है, हरगुज मुबालगा आरई है और यह दुरुस्त बात उन्होंने नहीं की। आपने क्या किया जिसकी वजाहत कायदेवान ने, डॉक्टर वसीम ने कल अपनी तकरीर में कर दी? आपने रूल के ऐन मुताबिक
अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया, या तो आपने रूल से हटके कोई बात की होती, उस पर एतराज करते तो जरूर करते, लेकिन लगता है कि 240 का मुताला कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने नहीं किया था। अगर किया होता तो ये स्टेटमेंट वो ना देते। जनाब वाला, मैं ये अर्ज करूं, फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वजाहतें, अपनी गैर हाजिरी की, अपनी गैर हाजिरी की वजाहतें पेश की। जनाब वाला, मैं समझता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान और अपोजिशन के बहुत से हल्के ऐसे हैं जो उन वजाहतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आप फरमाते हैं कि अचानक रात की तारीकी में ये बिल पेश कर दिया गया, जैसे कि ये बिल्कुल बेखबर थे। जनाबे वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि ये बिल नेशनल असेंबली में पेश किया गया? क्या इनके इल्म में नहीं था कि नेशनल असेंबली में इनकी जमात ने इस बिल पर एक मौकफ अख्तियार किया और वहां पूरी शदोमत से इसको अपोज किया, और जो हंगामा हुआ वेल में आए वो सबने देखा। अब जब वो बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया तो एक फितरी अमल है कि उसको सेनेट में आना था, सेनेट में जेर बहस आना था, यहां वोट होना था। ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे कि इनको इसका इल्म नहीं था? जनाबे वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि आईएमएफ के बोर्ड ये कह चुका है कि हमने अपनी बोर्ड की मीटिंग करनी है और हमारे वजीर खजाना जो हैं उसकी बोर्ड की मीटिंग की एक्सटेंशन की दरख्वास्त कर चुके थे कि आप उसकी डेट को एक्सटेंड कीजिए ताकि हम सेनेट से भी ये बिल पास करवा सकें, और आईएमएफ का बोर्ड एक तारीख का इशारा दे चुका था। ये इतने बेखबर और इतने मासूम क्यों थे कि इनको, और इतने ला इल्म क्यों थे कि इनको उसका भी इल्म नहीं था? जनाबे वाला, फिर ये कहते हैं कि हमें बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। आपका दफ्तर और आप खुद सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये मसला अभी तक, ये उकता हल नहीं हो रहा, ये अभी तक उकता हल नहीं हो रहा, और पूरी कौम शशोपंज में है, पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है, माजरा क्या है। जनाबे वाला, ये कल सेनेटर दिलावर ने, मैं तो नहीं था, मैंने गुफ्तगू उनकी सुनी है, वो फरमाते हैं कि मुझे बुलाकर खुद मौजूद नहीं, मैं आया इनकी दावत पर, आया इनके दफ्तर, गया दस्तक दी, खाली वीराना था, कुछ दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तलाफ दिखाई नहीं दिए। अब मैं मशवरा करता तो किससे करता, रहनुमाई हासिल करता तो कहां से करता? कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कहीं होते तो मशवरा करता। आई एम, डोंट टेल मी आई बीन इन द हाउस लॉन्ग इनफ। ओके नाउ जनाबे वाला, अब जनाबे वाला वो किससे मशवरा करते? जनाबे इधर बात है, चेयर से जी, मैं आपसे, अब देखिए, हाय हाय जी जी, कितने परेशान हो रहे हैं, मेरा ठीक है सर, वाला नहीं आपको सर, इधर बात करें सर, आंखों में लाओ ना यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर, सर इधर प्लीज, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शाह महमूद साहब शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। जनाबे वाला, मैं जी भाई मैं मुखातिब कर रहा हूं, बता दीजिए आप चेयर को मुखातिब कर। जनाबे वाला, अगर अगर मेरे मेरे इनको देखने से शरीफ रखें, बैरामा साहब प्लीज सर जी, सर अगर जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन अगर प्लीज ऑर्डर है, प्लीज तशरीफ जी, अगर अगर मेरे देखने, अब मैं देख रहा हूँ जी, प्लीज मुझे कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं जी, के मैंने वोट कर दिया। अब जनाबे वाला, अब सर एक बहुत बात करूं, अब आप, मैं बात करूंगा, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं, आपकी बात देख, अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या ये आवान, क्या ये मौजूद आवान, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं, ये मौजूद आवान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर? क्या ये इलेक्शन कमीशन में, क्या इलेक्शन कमीशन में
इनकी पटिशन नहीं चल रही, क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। वीडियो जवाब दे रहे हैं कि प्लीज तशरीफ रखें। जनाबे वाला वीडियोस, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। जनाबे वाला कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि क्या यही यही पार्टी, ये तारीख की बात है, गवाह है तारीख की, क्या नून लीग के साथ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? रातों रात वजाहत करें, अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिजबे खिलाफ बन जाते हैं। किस तरह, मैं पूछना चाहता हूं, किस तरह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं जनाबे वाला। मैं बहुत सी बातों की वजाहत में अभी नहीं जाता, फिर मौके आएंगे इंशाल्लाह और भी वजाहत कर दूंगा, करेंगे इंशाल्लाह। ये लंबी खेल है, फिक्र ना करें, लंबी खेल है और एक दूसरे को पुराना जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जनाबे वाला। अब मैंने कल कहा था और आज मेरी पैशन कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था जैसे ना करें वाला। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है, हमें पता है। और मैं आप अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं मौजूद मेंबरान सेनेट को कहना चाह रहा हूं, आई एम वार्निंग यू ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द सेनेट, लिसन एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग मेंबर्स ऑफ द सेनेट, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर, इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर, डोंट रिलाई ऑन हिम। क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? आपको अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा जैसी मंझी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? एक कॉम्प्रोमाइज, एक बिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल लॉन जी, इस तरह एक्सपेंड कर दें जी, इस तरह नहीं। थैंक यू ऐसे नहीं। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे द 4th फरवरी 2022 एट 10:30 AM।